हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया Realme 30 Pro Plus 5G। अगर आप इसे खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ ऊपर साइड AI देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कवर मिलता है, कवर क्वालिटी काफी अच्छा है और एक कवर जल्दी येलो नहीं होगा। और कुछ डॉक्यूमेंट है और सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है और स्मार्टफोन देखने को मिलता है और 80 वाट का चार्जर है और केबल है टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो चलिए अब स्मार्टफोन को देख लेते हैं। ओ भाई, इसका डिजाइन तो काफी प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका बैक साइड में ग्लास बैक मिलता है तो जैसे ही लाइट इसमें पड़ता है तो काफी अच्छा देखने को लगता है। अगर डिजाइन की बात करें तो सेम Realme 12 Pro Plus का ही है और ये भी Rolex वॉच पे इंस्पायर होके बनाया गया है और कैमरे के नीचे भी लिखा गया है हाइपर इमेज प्लस। तो सच बोले तो भाई एक कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप विदाउट टेम्पर ग्लास यूज करते हैं तो 5 से 6 दिन में पन्नी पे स्क्रेच आ जाता है और इसके अंदर 5200 mAh की बैटरी है, फिर भी काफी हल्का है, 190 ग्राम देखने को मिलता है। अगर इसका पोर्ट्स एंड बटन को देखेंगे तो राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम बटन मिलता है और नीचे की तरफ स्पीकर टाइप सी पोर्ट, माइक और सिम स्लॉट मिल जाता है और ऊपर की तरफ सेकेंड स्पीकर मिलता है और नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। और इसका बॉडी पॉलीकार्बन का है जो बिना कवर के यूज करने पे स्क्रेच आ जाता है। अगर आप इसको गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का प्रोसेसर जो 4nm पे बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर 6 लाख+ आता है और इसमें 60fps पे गेमिंग कर सकते हैं और HDR पे भी 60fps देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप गेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। और इसमें LPDDR4X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है और एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड होगा और इसमें ब्लॉटवेयर ऐप देखने को मिलता है बट इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और IP65 का रेटिंग आता है, IP68 का रेटिंग नहीं आता, तो पानी से बचा के रखना होगा। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और ये फुल कर्व डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले की बात करें तो आउटडोर और इनडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और इसका बेजल काफी कम है तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है। तो अब बात करते हैं कैमरे का। तो रियर में 3 कैमरा देखने को मिलता है, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है और फ्रंट कैमरा 32MP का देखने को मिलता है और 120x जूम आता है। तो ये रहा Realme 30 Pro Plus का अनबॉक्स और रिव्यू। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ इस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।